गाइस वेलकम बैक टू किट्टो ब्लॉग्स। और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोग को दिखाया था कि किट्टो मैंने भजन लगा दिया, तो भजन सुन रही है, देख रही है। अब जग रहे हो? सो लो थोड़ा सा, रात भर नींद नहीं आई है। और लेबर फैन का हम लोग वेट करते रहे, लेबर फैन भी नहीं हुआ है। और सुबह हो चुकी, धूप भी हल्की हल्की निकल रही है। तो मम्मी लोगों से बात हुई है, मम्मी लोग अभी आएंगे, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि बस मम्मी लोग आ जाएं। क्योंकि मम्मी लोग जब आती हैं तो थोड़ा सा एक होता है ना कि आदमी को थोड़ा सा जान में जाना जाता है, थोड़ा सा देखती है अपने लोगों को, तो थोड़ा सा होता है कि नहीं, हाँ सब लोग आ चुके हैं। तो ये दूसरा बॉटल लगा हुआ है चढ़ने के लिए। रात में एक ही बॉटल लगा था। हम लोग आए थे रात में यहाँ पे 10 बजे, एडमिट होते होते 11 बज चुका था, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, फाइल वगैरह जो भी होता है, जो भी डॉक्यूमेंट सब साइन करना पड़ता है, पेमेंट देना पड़ता है, तो सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो ये बेबी हार्ट बीट का मशीन है जो आप लोगों ने पहले देखा था, लगा था। तो अभी का अपडेट ये है कि किट्टो को रात में लेबर पेन नहीं आया। इसके अम्मी तन किट्टो जैसा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने देखा लेबर पेन का, लेकिन लेबर पेन अभी भी नहीं आया है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं लेबर पेन का, लेकिन देखते हैं कि मैम आएंगी शायद 10 बजे तक। तो उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत परेशानी? अभी तो कुछ भी खाने के लिए मना कर दिया, तो कुछ भी नहीं खाएगी। 8:30 बज गया गाइस। ये जो समय होता है ना, एक एक पल एक एक टाइम काटना काफ़ी मुश्किल होता है। और समझ में नहीं आता कि हम कैसे रिएक्ट करें, क्या सोचें क्या ना सोचें, क्योंकि इस टाइम दिमाग के सामने, मतलब आंखों के सामने एकदम काला सा होता है, कुछ समझ में नहीं आता। बस भगवान हमें दिखते हैं, और भगवान से हम लोग बस यही दुआ करते हैं कि भगवान जो भी हो सब अच्छे से हो, किसी भी चीज़ का कोई तकलीफ ना हो। आज ये रो रही थी, तो इसको रोते हुए देखते हुए मतलब मेरे भी आंखों में आंसू आने लगे। मैं इसको बताता नहीं हूँ मैं अपना दर्द किससे बताऊँगा, बताऊँ मैं अपना दुख किससे शेयर करूँगा कि मुझे कितना तकलीफ में हूँ। अगर इसको मैं ज़रा सा भी, अभी मेरे से यहाँ से 6 बजे चली गई थी ये, इसको मेडिसिन डाला गया ताकि इसको पेन उड़ जाए। तो 1-1.5 घंटे मेरे पास नहीं थी, मेरे नज़रों के सामने नहीं थी, मतलब मैं एकदम बेचैन हो रहा था यहाँ पे कि मतलब सोच रहा था कब आए। उसको मैं बोला फ़ोन लेके चले जाओ, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में फ़ोन लेके जा नहीं सकते हैं। तो ओटी है, ओटी के अंदर ही नॉर्मल डिलीवरी होती है, वहाँ पे ऑपरेशन भी होता है। तो वहाँ पे गई तो मैं थोड़ा सा होता ना, मैं बेचैन हो रहा था कि यहाँ किट्टो कब आएगी। मैं बार बार जा रहा था, झाँक रहा था, पूछ रहा था, तो बोले नहीं आप वेट करो, अभी उसको टाइम लगेगा, उसको हमने लेटा रखा है। एक्चुअली क्या होता है, मेडिसिन डालने के बाद ना उनको लेटा के रखा जाता है ताकि वो मेडिसिन बाहर न निकले। तो अभी ये जो समय है, मैं सोच रहा हूँ कि सब लोग आ जाएं, थोड़ा सा होता है ना कि सबको देखूंगा तो, और बातचीत करूंगा तो मेरा भी टाइम थोड़ा सा वो होगा। अब नींद क्या क्या सब, बस भगवान, मेरा बेबी और मेरी किट्टो बस सही हो जाएं, और जो भी हो अच्छे से आ जाएं। मैं तो यही चाह रहा हूँ बोलते बोलते एकदम हो जाता हूँ। तो अभी डॉक्टर आई थी, सब कुछ चेक करके गई हैं, तो उस साइड से इस साइड कर दी हैं टेस्ट वेस्ट करके, और इसमें कुछ इंजेक्शन वगैरह इंसर्ट किया हुआ है डॉक्टर ने। मैं थोड़ा सा लगा दिया था, वक्ती गाना वगैरह चल रहा था इसको, तो अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का पेन इसको उठा है। तो डॉक्टर ने चेक वेक किया, बोल रहा कि हाँ कि बच्चे दाने का मुँह खुल रहा है, देखते हैं भगवान करे सब कुछ अच्छा हो। बच्चे का हार्ट बीट है, तो मम्मी लोग सब लोग आ गई हैं और सब लोग समझा रही हैं, और सब लोग भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके और जल वल लेकर के आई हैं, लगाई हैं। भगवान भोलेनाथ सब ठीक करे, किट्टो रानी का मतलब है दुआ बना। देखो इतना आप इतना अच्छा है, सब लोग साथ में तुम्हारे साथ बैठ सकते हैं। भोलेनाथ सब अनाड़ी मलाई तू कुल जानत है। अब तो का लोग के देखिए थोड़ा सा हौसला आया
रहे हम सब आओ तो बंद करा गई मम्मी नहा के थोड़ा सा जलवा चला ले चली चला चढ़ाइए हम दोनों जने गए बस नहा के चढ़ाई के चली नहा संजय आई गए ना तो आई गई है तब कहीं संजय की जा हम सब के जाए तो देर है और सब हर लोग का दूबा बा बस तो आज का जो घड़ी है और आज का जो समय है बहुत ही कठिन समय है। भगवान भोलेनाथ सब पार करें हम लोग का ये समय। और मतलब मैं ना जब कोई नहीं था ना किट्टो नहीं गई थी मैं तो एकदम तो आज का जो घड़ी है और आज का जो समय है बहुत ही कठिन समय है। भगवान भोलेनाथ सब पार करें हम लोग का ये समय। और मतलब मैं ना जब कोई नहीं था ना किट्टो नहीं गई थी मैं तो एकदम इधर मम्मी भी मना रही है भगवान भोलेनाथ से सब लोग एकदम हम लोग नहीं दर्द से है भैया दर्द से हिम्मत बना हिम्मत रखेंगी तभी कोई चीज होगा और हिम्मत तो रखना पड़ेगा बस कह दे कि सब अब हम तोरे पर छोड़ दिया हमारे बस में कुछ नहीं भोलेनाथ तू हमारे उद्धार कर बैठ जाओ मम्मी। तो अभी दीदी का फोन आया सबका फोन ही आ रहा है तो हो रही बात है कि तो है गाइस और हमारे लिए एक एक समय एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत ही होता है ना। मेरा बेटा लिली भी आ गया है तो किसी तो जा चुको आज तुम भैया बन जाओगे तुम मुझसे प्यार नहीं करते मैं तुमसे अभी कितना प्यार करता हूँ ना दस सकी है ले लिया एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है ले लिया का। तो गाइस बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं और अभी तक का अपडेट यही है 9:30 बज गया है और अभी तक का अपडेट यही है कि अभी बस हम लोग पेन उठने का इंतजार कर रहे हैं और डॉक्टर भी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। तो इस वाले ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना खूब प्यार देना किट्टो हम इन जैसो वालों किट्टो ब्लॉग्स चैनल को जरूर देखते रहिए। बाय बाय।